सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे आप लोग। और मेरा नाम है रूपम और आप देख रहे हो रूपम ब्लॉग्स। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यार। क्या यार, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको क्लिक करने से क्या होगा, वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट नाउ वो रेड में है, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उससे कुछ नहीं होगा। उसके साइड में बेल आइकन, उसको भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बाइक से रिलेटेड जो भी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। तो प्लीज उसको क्लिक कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा। एंड बाय द वे गाइस, मैं बता देता हूँ मेरे चैनल में आपको क्या मिल जाता है, थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग और सबसे ज्यादा बाइक से रिलेटेड रिव्यू एंड न्यूजेस उसके बारे में आपको इस चैनल में मिल जाएगा। एंड आज बात करेंगे हम हीरो की तरफ से न्यू स्कूटी के बारे में। आप बोलोगे यार ऑलमोस्ट जितने वीडियो देखे सारे स्कूटी है, सो क्या करूँ यार, कंपनी वाले सारे स्कूटी ही निकाल रहे इस टाइम पे, तो स्कूटी के बारे में ही बता दे। तो आज मैं बात करूंगा हीरो की तरफ से न्यू 125 सीसी की न्यू स्कूटी जो आई उसके बारे में बात करेंगे। यस, फाइनली हीरो की तरफ से 125 सीसी की स्कूटी मिलेगी आपको। आपको दूसरे ऑप्शन देखना पड़ता था लेकिन हीरो की तरफ से कोई गाड़ी थी नहीं इस सेगमेंट में, सो फाइनली आ चुकी है। दैट इज हीरो डुएट 125। यस, हीरो डुएट 125। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में, सो लेट्स गेट स्टार्ट। फाइनली हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से 125 सीसी सेगमेंट स्कूटी में इनका डेब्यू हो चुका है, वो भी ड्यूट 125 के थ्रू। एंड बाय द वे गाइस, अगर इसका जो मेन टारगेट है वो फैमिली पर्संस के लिए है, क्योंकि इसका जो बॉडी है ये यूनिसेक्स बॉडी है, क्योंकि इवन मेल और फीमेल दोनों ही चला सकते हैं। उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है, कंजर्वेटिव बॉडी कंस्ट्रक्शन है बहुत ज्यादा, तो दैट इज द रीजन इनका जो मेन टारगेट है फैमिली पर्संस के ऊपर ज्यादा रहेगा। एंड बाय द वे गाइस, इसका जो पोजीशन रहेगा हीरो में वो जो अपकमिंग आने वाली है माइस्ट्रो एच 125 उससे थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि माइस्ट्रो एच का थोड़ा यू नो लुक एंड फील ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू डुएट। लेकिन अगर इसको बजट ओरिएंटेड आप स्कूटी बोल सकते हैं, और बाय द वे गाइस काफी अच्छी लुकिंग स्कूटी है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं डुएट 125 सीसी की बात करूं तो इसका जो स्टाइलिंग है ऑलमोस्ट कैरीड फ्रॉम द ड्यूक 110 सीसी जो अभी मार्केट में मिल रही है उससे ही लिया गया है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। एंड बाय द वे गाइस, इनका जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो फैमिली मेंबर्स का ही है, तो दैट इज द रीजन ये काफी अट्रैक्टिव यू नो बनाई गई है। एंड इसमें आपको थोड़ा बहुत क्रोम का टचअप मिल जाता है, एंड इसमें जो कलर स्कीम है वो काफी यू नो एलिगेंट है, तो आपको देखने में काफी अच्छा लगेगा। वही मैं बात करूं इसके हेडलाइट की, तो हेडलाइट आपको हैंडल्स में मिलेंगे, ना कि बॉडी में, सामने जो बम्पर रहता है उसमें नहीं है, आपको हैंडल्स में ही इसका हेडलाइट मिल जाता है। एंड इंडिकेटर्स बॉडी के अंदर इंटीग्रेटेड है, जो कि क्रोम के जस्ट साइड में ही है जैसे आप देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं हीरो डुएट 125 सीसी के इंजन के बारे में बात करूं, मैकेनिकली इसमें आपको क्या मिल जाता है वो मैं बता देता हूं। 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि पावर आउटपुट निकालता है 8.7 bhp का पावर आउटपुट एंड 10.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क थ्रू CVT ट्रांसमिशन के थ्रू आपको ये पावर ट्रेन मिल जाता है, विच इज 5% मोर देन 110 सीसी की जो स्कूटी है उसका पावर से 5% ज्यादा पावर मिलता है, एंड ऑलमोस्ट 22% ज्यादा पावर मिलता है जो अभी मार्केट में मिलती है ड्यूट 110 सीसी, उससे 22% ज्यादा आपको पावर मिल जाता है इस गाड़ी में। तो अब मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज i3s टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है। यस, जितनी हीरो की बाइक से उसमें आपने ये टेक्नोलॉजी देखी है, लेकिन फाइनली इन्होंने एक स्कूटी में भी पुट अप कर दिया है, तो ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में बताऊंगा। एंड इससे होता क्या, इससे होता ये है कि जो आपका फ्यूल कंजप्शन वो काफी रिड्यूस कर देता है, जिससे आपका एवरेज काफी बढ़ जाता है। और ये वर्क कैसे करता है मैं बता देता हूँ। अगर जैसे आप किसी ट्रैफिक में खड़े हैं एंड बहुत 5 या 6 सेकंड तक अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ हो जाता है या तो बंद हो जाता है, और अगर आपको इसको फिर से स्टार्ट करना है तो कुछ नहीं करना, आपको थ्रॉटल को हल्का सा ट्विस्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आप इसको चला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उस ड्यूरेशन में जितना पेट्रोल जलता है चालू रहने में, तो वो आपका बच जाता है। इस वे में ये टेक्नोलॉजी वर्क करता है, और ये अभी तो बाइक्स में काफी सक्सेसफुल है हीरो की, एंड फाइनली स्कूटी में भी इन्होंने पुट अप। सो फ्रेंड्स, ये बात तो होगी डिजाइन और इंजन के बारे में, तो अब हम बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग में सिर्फ आपको स्पीडोमीटर दिखता है, एंड जो डिजिटल है उसमें आपको पेट्रोल का फ्यूल इंडिकेशन मिलता है, एंड ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, एंड आपको मिल जाता है
सर्विस इंटरवल का सिग्नल उसमें मिल जाता है एंड काफ़ी नॉर्मल बेसिक सा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि स्कूटी में वो सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। सो ड्यूड 125 में आपको एक पास स्विच भी मिल जाता है एंड उसके बाद आपको मिल जाता है स्टोरेज के लिए दो हुक्स जो कि आपके जो लेग स्पेस है वहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड वन मोर थिंग, इसका जो फ्यूल लेड है वो बाहर ही है तो मतलब एक्सटर्नली है, तो आपको इसको ओपन करना है तो की के थ्रू इसको ओपन कर सकता है एंड इसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम वो इंडिकेटर ब्रेकिंग सिस्टम इसमें डला हुआ। तो फ्रेंड्स ये बात तो हो गई इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की। आप इसके सस्पेंशन की बात करो तो सस्पेंशन आपको मिल जाता है आगे टेलीस्कोपिक फोक एंड पीछे मोनोशॉक ऑब्जर्वर। यस, टेलीस्कोपिक फोक आपको इसमें मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है। टेलीस्कोपिक फोक होना चाहिए क्योंकि आपके जो बम्प्स है वो काफी रिड्यूस कर देता है, आपके जर्क्स वो काफी रिड्यूस कर देता है। ये तो बात हो गई ओवरऑल गाड़ी के बारे में। तो फ्रेंड्स अब बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो अगर प्राइसिंग की बात करो तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस में आने वाली है। एक्चुअल में इसका कंफर्मेशन नहीं आया क्योंकि 3 से 4 वीक के अंदर ये लॉन्च हो जाएगी ऐसा हमको न्यूज मिली है। सो जो प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट 50 से 55,000 के अंदर आएगा। एंड बाय द वे गाइस, ये सबसे चीपेस्ट नहीं लेकिन सबसे लोएस्ट प्राइस 125cc स्कूटी है अगर इस प्राइस में अगर ये लॉन्च होती है तो। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा होती है तो चीपेस्ट तो नहीं होगी लेकिन काफी अच्छी आपको डील मिल जाएगी अगर इस प्राइस में अगर ये लॉन्च होती है। और अगर ये लॉन्च होती है तो इसका जो मेन कंपेटिटर दो गाड़ियों के साथ काफी ज्यादा होगा, डेट इज सुजुकी एक्सेस 125। यस, लीडिंग है अभी 125cc सेगमेंट में एंड जो सेकेंड है डेट इज होंडा एक्टिवा 125 जो की काफी पॉपुलर है, तो इसको उन गाड़ियों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। और हीरो ड्यूएट 125cc जो कि लॉन्च होने वाली है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज गिव थम्स अप, बिल्कुल दीजिए, लाइक करिए एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। प्लीज अगर कोई सुझाव हो या कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हो या मैं कुछ छूट गया हो तो प्लीज कमेंट करके वो भी बताइए क्योंकि बहुत जरूरी है आपके कमेंट्स। एंड बाय द वे अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, हेलमेट पहनिए और जितना हो सकता है सेफ राइड कीजिए क्योंकि बारिश का मौसम है, काफी सेफ राइड करना जरूरी है। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और रिव्यू या जो भी बोल लो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।